ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सीबीएसई के पेपर में बहुत बार आया हुआ है, एनसीईआरटी में से लिया गया है और एग्जैक्टली ऐसा ही आता है। क्वेश्चन आएगा कि आप सपोज एक प्रिज्म लें, एक प्रिज्म के अंदर से वेव फ्रंट पास करें, तो हाइगन प्रिंसिपल पे है। तो जब प्लेन वेव फ्रंट आएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्रिज्म में से जब लाइट बाहर निकलेगी तो वेव फ्रंट कैसा जाएगा, क्योंकि प्रिज्म के अंदर लाइट बेंड हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये बेंड होके जाएगा, ये शो करता है कि वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट हो गया। तो आपने डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, थोड़ा बेंड करके दिखा देना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर वेव फ्रंट आ रहा है प्लेन, आगे ऑब्स्टेकल है, लास्ट टाइम डिस्कस किया ना, ऑब्स्टेकल इज कॉम्प्लेक्स, तो ऑब्स्टेकल इस बार मिरर नहीं है, ऑब्स्टेकल इस बार लेंस है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आया, ये लेंस है। अब लेंस कन्वर्जिंग इन नेचर है, तो रेज यहाँ पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, ये देखो कन्वर्ज होंगी ऐसे। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पर वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि लाइट है वो वेव फ्रंट के साथ हमेशा एंगल क्या बनाती है, 90। और सबको पता है 90 तब बनाएगी जब वेव फ्रंट ऐसा कर्व होगा, तभी तो 90 डिग्री कहाँ पे पास करेगा, उसके सेंटर पे। तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। फिर ऐसे ही है, अगर मिरर है, मिरर कन्वर्जिंग है, प्लेन वेव फ्रंट आया तो इसको जब हिट करेगा तो क्या होगा, ऐसा बनेगा, ठीक। तो वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बनेगा। तो ये तीन डायग्राम स्टैंडर्ड है जिनके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके से वेव फ्रंट का डायग्राम प्लॉट करो।